बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत इजी वे से आपको चने बनाने सिखाएंगे, जो कि बहुत इजीली तैयार हो जाते हैं, और सबसे इजी वे यही है चने बनाने का। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये है एक ओनियन क्रश किया हुआ, मोटा मोटा क्रश किया हुआ है, एक ओनियन बड़े साइज़ का, ये लहसुन और अदरक क्रश किया हुआ है, ये हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया, और मसाला में जो चीज़ें जाएंगी वो एक टेबलस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून क्रश चिलीज और हाफ टी स्पून पाउडर चिलीज। और जो इसके मेन मसाले हैं वो ये तीन हैं, ज़ीरा पाउडर एक भर के चम्मच आपकी टेबल स्पून, एक टेबल स्पून सूखा धनिया वो भी सही भर के, और हाफ टी स्पून, वैसे तो ज़्यादा एक टेबल स्पून ही जानी चाहिए काली मिर्च, लेकिन वो इस तरह बहुत तेज़ हो जाएगी तो आप हाफ टी स्पून काली मिर्च ले लें। उसके बाद ये तीन टमाटर हैं, ये हाफ टीन जाएगा, और ये चने हैं जो मैंने सुबह भुगो दिए थे, ये देखें कितने मोटे मोटे हो गए हैं। और इनको भुगोने का तरीका ये है कि जब इसको इसमें आप पानी डालें तो उसमें आप एक टेबल स्पून सोडा बाइकार्बोनेट डाल दें, सोडा जो होता है बेकिंग सोडा वो, और फिर उसके बाद उसको धो के, जब पकाना हो धो के फिर उसमें पानी डाल दें। ये मैंने इसमें एक कप पानी डाल दिया है। अब ये सारी चीज़ें आप अपने पास रख लें, फिर प्रेशर कुकर में आप डालें सबसे पहले चने, पहले भुगो के रखे हों तो फिर गलते भी हैं अच्छे तरीके से, एंड तक गल जाते हैं, और जब आप इसमें बेकिंग सोडा इसको लगा के रखेंगे तो ये बिल्कुल जैसे चिकड़ छोले होते हैं उस तरह के बनेंगे। अब ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे हम, ये वाले मसाले, ये वाले मसाले भी सारे जाएंगे, ऑनियन भी, सारा कुछ आपने डाल के इसको प्रेशर लगा देंगे, लहसुन अदरक का क्रश किया हुआ वो भी, ये हरी मिर्चें और हरा धनिया जब इसको भुनेंगे तो डालेंगे, हाफ टीन आप टमाटरों का डाल दें, हाफ टीन, अगर आपके पास टीन नहीं है तो आप क्रश कर लें टमाटर, तीन तकरीबन तीन छोटे साइज के टमाटर आप क्रश कर लें, डाल के इसको करें आप मिक्स, इसको सारा एक बार मिक्स कर दें। जब चने पहले भिगोए हुए होंगे तो फिर जल्दी गल जाएंगे और आपकी जल्दी जल्दी आपकी हांडी रेडी हो जाएगी। अब इसको मिक्स करके इसको प्रेशर लगा के तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दें, अब मिलेंगे हम 10 मिनट के बाद। अब ये देखें इस तरह हो गया, पानी इसका थोड़ा सा रह गया, अब चेक करें, अभी थोड़ी सी कसर आई है, देखें इनको अब भूनना है, भून के उसके बाद दोबारा पानी डाल के इनको प्रेशर लगा देना है, ये देखें तकरीबन तैयार शक्ल बन गई है। अब इसमें ऑयल डालें, हाफ कप ऑयल डाला मैंने, डाल के थोड़ा सा धनिया डालें और थोड़ी सी हरी मिर्चें डालें, डाल के अब इसको भुने उस वक्त तक जब तक ये जो थोड़ा थोड़ा सा पानी है गल जाएगा, और तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको भुनना है, उसके बाद दोबारा इसमें पानी डाल के और इसको प्रेशर लगा देना, फिर ये टोटल सही तरह गल जाएंगे, तकरीबन 5-6 मिनट इनको भुनेंगे हम इसी तरह। अब मैंने इसे तकरीबन 15 मिनट तक भुना है, काफ़ी देर तक भुना है, और ये हालत में आ गया, ये देखें। अब इसमें दोबारा आप पानी मिलाएं, मिला के तो इनके गलने तक आप प्रेशर लगा लें तकरीबन, और तकरीबन ये पकेंगे 5-6 मिनट, फिर आपको दिखाऊंगी लास्ट इसका रिजल्ट। ये देखें हमारे चने बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इसका शोरबा नहीं बनाना, इस तरह ये थिक थिक ही बनेंगे, ये देखें कैसे मज़े के चने बने हैं। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ ये फाइनल लुक। अब इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया गार्निश कर दें, धनिया से इसको, और एक दो हरी मिर्ची, ये देखें कितने मज़े के हमारे चने तैयार हुए हैं। इनके साथ हम नान बनाएंगे, और आने वाली रेसिपीज़ में मैं आपको नान की भी रेसिपी दूंगी और चीज़ नान की भी इंशाल्लाह ताला,
तो आप ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत ईजी वे से बनाऊँगी मैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को अपनी हिफाजत में रखे। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।